दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रविवार को देर रात रेलवे स्टेशन और झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रैन बसेरे को निरीक्षण करने रेलवे स्टेशन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरा में रात्रि विश्राम करने वाले लोगों से वार्ता किया और कुशल क्षेम भी पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरे में पहुंचकर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया तथा कुछ लोगों को कंबल भी वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए, इसके लिए रैन बसेरों में उचित प्रबंध किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंबल प्राप्त करने वाले और बसेरा में रात्रि विश्राम करने वाले लोगों ने कहा। निश्चित रहो तुम ऐसे हम बाइक तो देंगे उसके जैमर के बगल में। हाँ जैमर के बगल सर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे सर, पूरा पीछे सर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे सर, महाराज जी जब बोलेंगे तभी हम लोग अंदर जाएंगे। महाराज जी हम लोग अंदर आ सकते हैं। एकदम पीछे भाई, बिना भाई कुछ जगह देना पड़ेगा। पीछे कैसे आना सर, मित्र के पिता की तबीयत खराब थी देखने के लिए आए। देख लिया है, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं रहने। आप कहाँ से हैं? बागपत से। यहाँ कैसे? जब पुलिस वाले उसमें परीक्षण है, यहाँ सेंटर हुआ था, वहाँ नहीं नजदीक सेंटर में था। टेस्ट हो गया? हो गया। बिहार से। बिहार कहाँ से? रामनगर। रामनगर से ठीक है। यहाँ कैसे आना हुआ? परीक्षा में दिलवा दी पुलिस वाला। हाँ परीक्षा हो गई ना। हाँ जी हम लोग पीछे वाला काम करते हैं, बेचते हैं। क्या करते हैं? टावर लगाते हैं। टावर लगाते हैं। यहाँ काम कर रहे हैं कितने लोग? आप कहाँ से हैं? यहाँ कैसे? काय का पेपर? जेल वार्डन। अरे ये जेल वार्डन का निकला है। परीक्षा हो गया? आप कहाँ से हैं? सहारनपुर। कितने दूर कैसे सेंटर हो आप लोगों का? वहाँ सहारनपुर में सेंटर रहा होगा। हाँ जी सर, इस साइड के उधर गए कोई दिक्कत तो नहीं आ रहे? नहीं सर।
आप कहाँ से आए? कोई से आए कैसे? हाथ दिखाना है और हाथ से मतलब एक हाथ पे दिखता नहीं। दिखा लिया डॉक्टर से? हाँ ये पता नहीं दिखा है। दिखा देना, दवा दीजिए, दवा दे दीजिए, इसके बाद एक बार फिर से दिखा के फिर वो करवाना, ठीक है? महिलाओं का भी है यहाँ पे? जी जी सर, ऊपर वाला फ्लोर रहता है, पहले ऊपर महिला उनके लिए अलग से वार्ड है, देखते रहते हैं, कोई समस्या नहीं, साफ सुथरे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस क्षेत्र के लोग आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था? सर जी हमारे पास रिजल्ट अभी रखे हुए हैं, अगर जैसे ऊपर से हमें होगा कि इन्होंने की व्यवस्था कर दिया है तो हम सर जिस अपना आदेश कर लेते हैं, जैसे कर दी चुका था तो कर आदेश कर लेंगे और ज़्यादा हो जाए। जी जी कहाँ रहते हैं आप? पीछे 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 सॉरी सर, आगे नहीं पीछे करो, चलो दो टिकट गाड़ी में आ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से क्या हो गया जो लोग वीरू पांडे ने कंबल वितरण किया आपको? हाँ। क्या बात किया, क्या बात किया? कुछ नहीं, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हो यही बस पूछ के चले गए। कंबल दिया, क्या बोले? कंबल दिए हैं, उसके बाद पूछे हैं कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते, कैसे रहो, यहीं पर रहते हैं, हम बोल दिए यहीं पर रहते हैं। इतने ठंड में आपको कंबल दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, बहुत बढ़िया हुआ कि गरीबों को कंबल दिए। सरोज कुमार जी, आपसे ये पूछा आप कहाँ से थे, मैंने बताया सीतापुर से, बोलिए किस लिए आए? कहा कि आप टावर का करते हैं, जा रहे थे देवरिया, रात होगी इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा है, बस इतना ही पूछा मुझसे। रन बकरे में आपसे बात की है, क्या बात हुई है? बोले मतलब बिहार से आए, ठीक है, बोले तो पढ़ने के लिए आए थे। हाल चाल भी लिया, कहाँ से आए, क्या करते हैं? कुछ मतलब आप आए मतलब क्यों रुके हैं? तो बोले मतलब पेपर देने आए थे, कुछ ट्रेन है इसलिए आप रुके हैं। समस्याओं को लेकर पूछा, कोई समस्या तो नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं। बात की है आपसे आके यहाँ पे, क्या बात हुई? कहाँ से थोड़ा